नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोजाना सुबह 7 बजे मैं आता हूं आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडीज की इस लाइव क्लास को लेकर के, जिसमें मैं बात करता हूं वो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर। चाहे आप CDS की तैयारी कर रहे हो, SSC, CGL, वो सारे एग्जाम जिसमें करंट अफेयर या फिर जनरल स्टडीज इनका पार्ट है सिलेबस का, उन सारे एग्जाम के लिए आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल हो सकती है। चलिए मेरे साथ बने रहिए, मेरा नाम है कृष्णा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कुछ इस तरह से, विद रेफरेंस टू द स्वराम कंसेंट्रेशन मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में आपके पास जो बेसिकली जो दिया गया है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस दो स्टेटमेंट जो ये बेस्ड है आपके लिए कंसेंट्रेशन मिशन के ऊपर। तो आपसे जो पूछा गया है यहाँ पे नीचे, अगर आप देखते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो वन बाय वन हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखें इसमें है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सैटेलाइट डिजाइन टू आइडेंटिफाई द प्रिसाइसली मेजर द डिफरेंट मैग्नेटिक सिग्नल्स दैट मेकअप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कि ये जो आपसे बात की जा रही है मिशन की, जिसका नाम है कॉन्स्टेलेशन मिशन, इस मिशन के अंदर 3 सैटेलाइट को डिजाइन किया गया है। और इस डिजाइन करने का इनका जो मेन मोटिव है वो ये कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक सिग्नल्स जो आते हैं उसके बारे में स्टडी कर सके, मेजर कर सके। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ USA, कनाडा, रशिया एंड जापान। यानी कि इस काम को, इस मिशन को जो अंजाम दिया जा रहा है USA यानी कि अमेरिका, कनाडा, रशिया और जापान के द्वारा। और आपसे पूछा गया है कि स्टेटमेंट में गलत क्या है इन दोनों स्टेटमेंट में, और आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से, ए वन ओनली यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बी में बोला जा रहा है टू ओनली यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, और सी में बोला जा रहा है बोथ वन एंड टू यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, और लास्ट में डी में बोला जा रहा है आपसे कि नाइदर वन नॉट टू, ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, यानी कि ये स्वाम कॉन्स्टेलेशन मिशन जो है, ये बिल्कुल इसके बारे में जो बात की जा रही है कि ये हमारे अर्थ के जो मैग्नेटिक सिग्नल्स आते हैं उसके बारे में स्टडी करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करने के लिए इस मिशन को प्लान किया गया है। ये बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। इसमें जो आपसे बोला गया था कि भी कोलैबोरेटिव एफर्ट है USA, कनाडा, रशिया और जापान का, ये गलत हो गया। गलती क्या है इसके अंदर, ये जो कोलैबोरेशन के रूप में काम नहीं हो रहा, बल्कि इसके अंदर क्या है कि यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन का जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो इस काम को कर रही है, यानी कि उसने अर्थ के सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए, मैग्नेटिक सिग्नल को ऑब्जर्व करने के लिए और सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं इसके बारे में जानने के लिए ये मिशन लॉन्च किया है। यानी कि जो आपके लिए जो करेक्ट आंसर हो गया इसका बी हो गया, यानी कि बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सही था और क्वेश्चन में हमसे गलत पूछा गया था, इसलिए हमारा आंसर बी यानी कि टू ओनली आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विथ रेफरेंस टू द डेफिमेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेफिमेशन का मतलब होता है मानहानि, यानी कि गलत आरोप जो लगा दिए जाते हैं किसी के ऑनर को ठेस पहुंचाने के लिए, आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो यहां भी आपके पास दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को देख करके हमें नीचे जो पूछा जा रहा है हमसे वो कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए इस तरह, इट कैन बी बोथ बी सिविल रॉन्ग एंड क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि ये जो है डेफिमेशन ये दोनों तरीके का हो सकता है, सिविल रॉन्ग के लिए भी हो सकता है और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए भी हो सकता है। यानी कि ये जो आरोप जो होता है ये सिविल कोर्ट के लिए भी आप लेके जा सकते हैं इसको, और क्रिमिनल कोर्ट भी आप इसको लेके जा सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, क्रिमिनल डेफिमेशन इज डिफाइंड एज एन ऑफेंस अंडर द सेक्शन 500 ऑफ द इंडियन पेनल कोड।
आईपीसी की जो 500 सेक्शन है वो इसको डिफाइन करती है कि ये एक ऑफेंस है, सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि भी करेक्ट क्या है। ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ए ए में बोला जा रहा है कि वन यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। और सी में बोला जा रहा है बोथ स्टेटमेंट यानी कि वन टू यानी दोनों, ये फर्स्ट वाला भी और ये सेकंड वाला भी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, ना फर्स्ट ना सेकंड कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है आपको ये बताना है। डेफिमेशन जैसे हिंदी में आप देख सकते हैं मान हानि, किसी के ऑनर को ठेस पहुंचाना, उसके मान में कमी लाना, एक तरह से आप ये इस तरह से समझ सकते हैं इसे, ठीक है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए यानी कि वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है डिटेल से समझ लेते हैं। डेफिनेशन जो है इसे दोनों तरीके का हो सकता है, सिविल भी हो सकता है क्रिमिनल भी हो सकता है, यानी कि ये सिविल ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं और क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर भी डाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि नेचर किस तरह का है, उस हिसाब से इसकी कैटेगरी डिसाइड होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये तो करेक्ट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया कि इसकी जो डेफिनेशन दी गई है कि ये ऑफेंस है, कि आईपीसीसी के सेक्शन 500 के अंदर आता है। आईपीसीसी मतलब इंडियन पेनल कोड की बात की जा रही है, तो यहां पे ये गलती होगी। इसकी जो डेफिनेशन है कि ये ऑफेंस, इसको जो डिफाइन किया गया ये सेक्शन 499 के अंदर है, और सेक्शन 500 के बात करता है इसके पनिशमेंट के लिए कि अगर कोई इस तरह से रॉन्ग केस लेके आता है तो उसे किस तरह की पनिशमेंट दी जानी चाहिए, इसके बारे में डील करता है सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी। आईपीसी का मतलब है इंडियन पेनल कोड। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेलाथियोन, मेलाथियोन के बारे में क्वेश्चन है कि मेलाथियोन इज ए इफेक्टिव अगेंस्ट, कि ये किसके रिगार्डिंग में बात की जा रही है, कि ये जो चार चीजें आप दिए, चार डिफरेंट डिफरेंट जो बीमारी कह सकते हैं आप, जिसके बारे में ये दिया गया है आपसे कि मेलाथियोन किस इज इफेक्टिव अगेंस्ट, कि किसके अगेंस्ट में इफेक्टिव है आपको ये बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास कोविड-19, कि कोविड-19 के अगेंस्ट में ये मेलाथियोन एक्टिव है, इफेक्टिव है ये बोला जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास अफ्रीकन स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर के अगेंस्ट में ये काफी इफेक्टिव काम करते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है लोकोस्ट, इसके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव है। और डी में बोला जा रहा है येलो रस्ट, उसके अगेंस्ट में ये इफेक्टिव है। तो ये चार डिसीज है, अब डिसीज के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि मेलाथियोन किसके अगेंस्ट में काफी एक्टिव यानी कि कारगर काम करती है, कुछ इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन आपने देख लिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल डाटा बेस्ड है, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन बन के आ गया, आपके फैक्ट बेस्ड है। अगर आपने इसे पढ़ा है तो करेक्ट आंसर दे दोगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं बता पाओगे। चलिए अब अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को एक बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी यानी कि लोकस्ट, इसके अगेंस्ट में ये काफी एक्टिव है। अब बात कर ले कि मेलाथियोन होता क्या है, कि मेलाथियोन जो ये एक तरह से ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है, और ये क्या काम करती है, ये इस बीमारी के अगेंस्ट में एक तरह एंटीबॉडीज का काम करती है, ठीक है, यानी कि इस बीमारी को डील करने में, इसे रिकवर होने में काफी हेल्प करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया इसका सी हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज। अब ये न्यूट्रलाइजेशन एंटीबॉडीज क्या होता है, इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। और फिर बाकी क्वेश्चन की तरह इसमें भी ये पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, यानी कि दो स्टेटमेंट है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इनहिबिट्स द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ए इन्फेक्टिव एजेंट, यानी कि ये क्या करती है कि हमारी जो बॉडी में इनहेबिट्स होती है, यानी कि इनहेबिट्स का मतलब है वो सारी क्वालिटीज जो इनहेरेंट यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पेरेंट्स से जो हमारी बॉडी के अंदर आती है, ये वो उस तरह की बायोलॉजिकल इफेक्ट है। और ये क्या करती है, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट लड़ने का काम करती है, यानी कि उसके अगेंस्ट एक एजेंट के रूप में उसके काम करती है उनसे डील करने के लिए। फर्स्ट ये बोला जा रहा है। सेकेंड ये बोला जा रहा है इट इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली एज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि इसे क्या करते हैं नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि इसमें ह्यूमन, हम लोगों का इंटरफेयर नहीं होता, ये
हमारी बॉडी अपने आप इसे प्रोड्यूस करती है इम्यून सिस्टम जो के अंदर, और इसमें काम किया होता है इन रिस्पॉन्स ऑफ इनहिबिट्स द इफेक्ट ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द फॉरेन इन्वेडेंस, यानी कि जो बाहर से, मान लीजिए आप आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे डील करने के लिए, यानी कि उससे डील करने के लिए, यानी कि आपकी बॉडी को किसी भी तरह की बीमारी से रिकवर करने के लिए ये काम करती है। और साथ ही साथ जो ये प्रोड्यूस होती है ये नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट होती है, ये बोला जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के ये हमारी बॉडी के अंदर हमारे इम्यून सिस्टम को काफी स्ट्रांग बनाती है, और बाहर से कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो उसे डील करती है, उसे टैकल करती है और बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करती है, ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो आपको ये बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू, यानी कि कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या सही है, क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया करेक्ट आंसर, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि भाई ये है क्या। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते टाइम भी बताया कि ये किसी भी तरह के जो आउटसाइडर वायरस होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो हमारी बॉडी को एंटीबॉडी के रूप में ये काम करते हैं और हमें कैपेबल बनाते हैं कि किसी भी तरह से इन्फेक्शन को डील करने के लिए, वायरस को डील करने के लिए, और उन्हें हमारी बॉडी में अंदर आने से ब्लॉक करते हैं इन्फेक्शन को। ये इनका मेनली काम होता है फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसे बोला गया था। और सेकंड स्टेटमेंट जैसे आपसे बोला गया था कि भाई जो ये जो जनरेट होता है ये हमारी बॉडी के अंदर ही होता है, और एक तरह से ये क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी हो गया क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है इसके अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विद रेफरेंस टू द बैंक बोर्ड ब्यूरो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो है क्या चीज, इसके बारे में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है, ये तीन स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को देख लेना है, और फिर नीचे बताया पूछा जा रहा है आपसे विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस तरह से, इट इज इन अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है वो एक तरह से पब्लिक अथॉरिटी है, और किसके अंदर काम करती है, ये काम करती है आरटीआई एक्ट यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर ये काम करती है, पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में बोला इट रिकमेंड पर्सनल्स ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, कि ये क्या करती है, पर्सनल्स को रिकमेंड करती है, पर्सनल को हायर करती है एक तरह से, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इट वॉज फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ केसी चक्रवर्ती कमेटी, कि केसी चक्रवर्ती जो थे इस कमेटी के हेड थे जिन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि हमारी कंट्री में बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन दी थी केसी चक्रवर्ती ने, उनकी एक कमेटी थी जिसके हेड थे केसी चक्रवर्ती। मतलब जब भी ऐसा आता है ना कि भी किसी का नाम आता है कमेटी आता है, इट मीन्स ये होता है कमेटी में तो काफी सारे मेंबर होंगे और जिस पर्सन का नाम आता है वो उस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, चेयरमैन चेयरपर्सन हेड इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो उन्हीं के नाम से कमेटी का नाम रख दिया जाता है। तो आपको ये बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट क्या आपको ये बताना है। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से आपके पास है, ए यानी कि फर्स्ट ओनली यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है कि आरटीआई एक्ट के अंदर आता है, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंदर आता है 2005 के अंदर, ये बोला जा रहा है। बी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ये जो है आरटीआई के अंदर आता है, दूसरा बोला गया है ये क्या करती है, रिकमेंड करती है पर्सनल्स ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, ये बोला जा रहा है, ठीक है, ये बी के अंदर बोला जा रहा है। सी के अंदर बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि आरटीआई के अंदर आते हैं और केसी चक्रवर्ती कमेटी के अंडर रिकमेंडेशन जो थी उसके अंडर इसका फॉर्मेशन हुआ है। और डी में बोला जा रहा है ऑल थ्री स्टेटमेंट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके हिसाब से क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। अब अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन कि सही क्या है इस क्वेश्चन में और गलत क्या है, हमें सही वाला बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपके लिए होगा ए यानी कि वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बस वही सही है, बाकी सारे गलत हैं,
क्यों, अब समझ लेते हैं कि करके। जो पहला जो बोला गया था कि ये पब्लिक अथॉरिटी है और डिफाइन की गई है अंडर आरटीआई एक्ट के अंदर, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। या 2005 में जो आरटीआई एक्ट जो आया था हमारी कंट्री में, तो उसके अंडर ही बैंक बोर्ड ब्यूरो का मतलब ये एग्जिस्टेंस में आई थी हमारे सामने, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब ये दो जो स्टेटमेंट गलत हो गए हैं, अब दोनों गलत स्टेटमेंट को समझते हैं इसमें गलती क्या थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला गया कि इसे सिर्फ और सिर्फ जो इसमें जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो पब्लिक, किसके लिए बोला पब्लिक अथॉरिटी के, इसके अंदर रिकमेंडेशन पर्सनल ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसके अंदर किसको हायर करना है किसको रखना है सिर्फ उसके रिकमेंडेशन के लिए काम करती है। यहां ये गलत हो गया, बल्कि सही आंसर जो इसका था वो होना चाहिए था ये कि भी ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑन जितनी भी कंपनीज है यानी पीएसयूज है उन सब के लिए ये काम करती है, ठीक है। यानी कि जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्ट उनके हाथ में है या फिर उसके अंडर से काम होते हैं वो सारे के सारे कंपनीज को ये रिकमेंड करती है उसके लिए पर्सनल को, ठीक है। यानी कि जितनी भी पीएसबी हमारी कंट्री के अंडर आती है और उनके जो डायरेक्टर या फिर जो भी चीफ यानी कि हेड पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन के होंगे उसको अपॉइंटमेंट का भी काम ये करती है, यानी कि उनके लिए एक रिकमेंडेशन देती है कि किसको अपॉइंट करना है। तो ये यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये बोला जा रहा है केसी चक्रवर्ती कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको फॉर्मेशन किया गया था, ये गलत हो गया। केसी चक्रवर्ती की कमेटी से नहीं, बल्कि यहाँ पे जो नाम होना चाहिए था वो होना चाहिए पीजे नायक की चेयरमैन कमेटी के अंदर भी होना चाहिए था। यानी कि मई 2014 में इसका एग्जिस्टेंस में आई, इसे फॉर्मेशन हुआ था और जो इस कमेटी के जो हेड थे वो थे पीजे नायक थे। और कमेटी का नाम था द कमेटी टू रिव्यू गवर्नमेंट्स ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक इन इंडिया, ये कमेटी का नाम था और चेयरपर्सन थे पीजे नायक। तो ये इसका करेक्ट आंसर था, लेकिन ये तो दिया नहीं था हमें, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट दोनों गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कितना आपने स्कोर किया जरूर मेंशन करिएगा स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में, अपने स्कोर को जरूर लिखिएगा ताकि मैं एनालिसिस कर सकूं और आपके हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकूं। अच्छा एक बात और, हमारी कंट्री के अंदर जितने भी पीएसयूज हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, टॉप 5 पीएसयू हमारी कंट्री में कौन कौन सी है उसके नाम जरूर लिखिएगा, उसके फॉर्मेशन डेट और उसके हेड कौन है, ये तीन चीजें आपको लिखनी है। मतलब आज के लिए थोड़ा सा जो मैं होमवर्क टाइप का आपके लिए दे रहा हूँ तीन, कि हमारी कंट्री में जो टॉप 5 पीएसबीज क्या कौन कौन से हैं उसके हेड यानी चेयरपर्सन या एग्जीक्यूटिव जो भी हेड है उनका नाम फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है। ये तीनों बात आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डेली सुबह 7 बजे मैं करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ, शाम को लेके आता हूँ टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड ये सेम काइंड ऑफ डिस्कशन। अगर आप किसी टीचर सिलेक्शन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है, जो कि मैं लेके आऊंगा शाम को आज 7 बजे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। ओके बाय।